हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्वीट पोटैटो पराठा। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इस रेसिपी को आप बनाकर खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वीट पोटैटो पराठा बनाने की सामग्री है 1.5 कप आटा, 2 बड़ा चम्मच देसी घी, 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 पिंच हींग, नमक स्वाद के अनुसार, 1 छोटी चम्मच नमक हमने लिया है, 4 स्वीट पोटैटो है जिसे हमने बॉईल कर लिया है और पानी। स्वीट पोटैटो को हम छील कर कट कर लेंगे। स्वीट पोटैटो को हमने छील लिया है और अब हम पीसेस में कट कर लेंगे। सारे स्वीट पोटैटो को हमने अच्छे से कट कर लिया है। कढ़ाई गरम हो गई है, 1/2 चम्मच घी डालेंगे। घी गरम हो गई है, राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, राई और जीरा चटकने लगा है, हल्दी डालेंगे, हींग डालेंगे, बॉईल किया हुआ स्वीट पोटैटो डालेंगे, मिला लेंगे। अच्छे से हमने मिला लिया है। 2 चम्मच पानी डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। स्वीट पोटैटो को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे धीमी आंच पर। धीमी आंच पर हम इस तरह से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए पानी सूख गया है और स्वीट पोटैटो जो है हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसे अब हम इस तरह से चम्मच से दबा दबा कर तोड़ लेंगे। मिश्रण हमारा तैयार है। गैस को बंद करेंगे और मिश्रण को प्लेट में निकाल लेंगे। मिश्रण को हमने बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे और डो तैयार करेंगे। बचे हुए आटे को भी डाल देंगे। आधा चम्मच घी डालेंगे। बिना पानी के हमने डो को तैयार कर लिया है और मीडियम डो हमने बनाया हुआ है। अब इससे हम लोई बनाएंगे। पांच लोई बनकर तैयार है। चकले पे सूखा आटा लगाएंगे, लोई को रखेंगे और बेलेंगे। इसी तरह से हम सारे पराठे को बेलकर तैयार करेंगे और तवे पर सेकेंगे। तवा गरम हो गया है, पराठे को हम तवे के ऊपर रख देंगे। आंच को मीडियम रखेंगे और पराठे को सेकेंगे। पराठा हमारा नीचे साइड से अच्छे से सेक गया है। अब हम पराठे को पलट लेंगे। घी लगाएंगे ऊपर से। फिर से पलट लेंगे, घी लगाएंगे, पराठा हमारा बहुत ही अच्छे से सिक गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे पराठे को सेकेंगे। स्वीट पोटैटो पराठा बनकर तैयार है।
इस पराठे को आप दही के साथ खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।